अखियों में नन्ना मुन्ना एक सपना दे जा रे। जब तमिल और मलयालम सिनेमा का इतिहास लिखा जाएगा तो बालू महेंद्र का नाम उन फिल्मकारों में शुमार होगा जिन्हें तमिल सिनेमा में नए सिनेमा का जनक माना जाता है। बालू वैसे तो सिनेमेटोग्राफर थे लेकिन उन्होंने डायरेक्टर के तौर पर भी कई फिल्में बनाई। दरअसल बालू की फिल्मी यात्रा किसी फिल्म से कम नहीं थी। बालू लंदन फिल्म स्कूल से सिनेमेटोग्राफी की डिग्री लेकर आए थे। उन्होंने FTII पुणे में डायरेक्शन कोर्स के लिए अप्लाई किया था। साथ में उन्होंने अपने खींचे हुए कुछ स्टिल्स भी लगा दिए थे। बस FTII पुणे को लगा कि बालू अच्छे सिनेमेटोग्राफर बन सकते हैं, लिहाजा बालू को सिनेमेटोग्राफी में दाखिला मिल गया। लेकिन सिनेमा का बालू को इंतजार और क्षेत्रों में भी था, लिहाजा बालू बन गए डायरेक्टर। बालू वैसे तो तमिल मूल के थे लेकिन उन्हें जो पहली फिल्म मिली वो थी मलयालम भाषा की फिल्म नीलू। जिस दौर में श्याम बेनेगल, गोविंद निहलानी और कुंदन शाह मुंबई में बैठकर नए दौर का सिनेमा रच रहे थे, उसी दौर में बालू ने तमिल सिनेमा में नए सिनेमा की लहर पैदा की। बालू सिनेमा में प्रयोगों के लिए जाने जाते थे। उन्हें अपनी किसी भी फिल्म में अगर मार्केट का शॉट शूट करना होता था तो बालू दूसरे फिल्म निर्देशकों की तरह मार्केट को ब्लॉक नहीं किया करते थे, बल्कि सूरज उगने से पहले ही एक ठेले पर पर्दा बांधकर उसे सुबह से ही बाजार में खड़ा कर देते थे और जब शूट का समय होता था तो कैमरामैन को उसी ठेले में ले जाकर चुपचाप बिठा देते थे और अपने मन मुताबिक शॉट निकाला करते थे। बालू महेंद्र ने हिंदी सिनेमा में फिल्में कम ही की हैं, लेकिन अभिनेता कमल हासन के साथ उनकी फिल्म सदमा को भला कैसे भूल सकते हैं। इस फिल्म में कमल हासन के साथ थी एक्ट्रेस श्रीदेवी। वैसे तो बालू के बारे में लिखने बैठे तो एक किताब भी कम पड़ेगी। ममता चोपड़ा के साथ शैलेंद्र वर्मा, DD न्यूज। अखियों में आ जा साथ तेरे, रारी रारूं ओ रारी रूं, रारी रारूं ओ रारी रूं।